नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर नगर निगम बजट सत्र का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षद सोमवार से सदन के गर्भगृह में धरना दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नगर निगम सदन के भीतर धरना दे रहे कांग्रेस पार्षदों से मिलने पहुंचे। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को बताया कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर निगम का बजट पारित कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं हमेशा से सदन में लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चर्चा कराने के पक्ष में रहा हूं। मेरे कार्यकाल में विधानसभा का सत्र 70 दिनों तक चलता था। विधानसभा सत्र में हर विभाग की चर्चा सदन में होती थी। 2004 से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है, ये सदन में चर्चा कराने से भागते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक दिन में भाजपा सरकार ने बजट पारित करा लिया है और वही हाल जबलपुर की नगर निगम में हो रहा है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं हो रहा है, उनकी हड़ताल चल रही है। ऑडिट रिपोर्ट की लेखा समिति नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष को कहा है कि वो लेखा समिति का गठन करे और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पार्षद निगम के हर जोन में जाकर लोगों से चर्चा करे। दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका के संबंध में कहा कि हमारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। ऐसे कई हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं सिविल सोसाइटी के और पॉलिटिकल पार्टी के जिसका जवाब चुनाव देता है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर और पूरे तरीके से आज देश में आम जनता से मत मांगो तो वह कहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका के एलन मस्क, जो कि टेक्नोलॉजी का ज्ञाता है, वो कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी चुनाव आयोग के कान पर चू नहीं रेंगती है, इसलिए हमने तकनीकी बातों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नरसिंह घोटाले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि विश्वास सारंग ने नरसिंह घोटाला किया है, उसे तत्काल पद से हटा देना चाहिए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कांग्रेस कल धरने पर बैठी थी, आज यहाँ पर मुलाकात करने हुआ है, क्या कहेंगे? बात ये है, मैं हमेशा से सदन में लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक चर्चा कराने के पक्ष में रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में विधानसभा का सत्र लगभग 70 दिन तक चलता था और लगभग हर विभाग की चर्चा सदन में होती थी बजट की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2004 से, ये सदन में चर्चा करने से भागते हैं और इस बार भी पूरे एक दिन में सारा बजट पास कर दिया विधानसभा में। अब वही हाल जबलपुर में हो रहा है, लोगों के काम हो नहीं रहे, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, उनका हड़ताल चली हुई है। पिछले बजट और ऑडिट रिपोर्ट की लेखा समिति नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट पे चर्चा होती है कि नहीं होती है कि समिति में, जब समिति नहीं चर्चा कहाँ से होगी? हमारे विपक्ष के नेताजी से मेरी प्रार्थना है और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से प्रार्थना है कि जो अधिनियम को पढ़े और जो ऑडिट के रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा और उसकी उस पर चर्चा करने के लिए लेखा समिति का गठन करें और जो भ्रष्टाचार में डूबी ये नगर निगम है उसमें भ्रष्टाचारियों की जवाबदारी फिक्स की जाना चाहिए। यहाँ देखा जाता है कि अधिकारी जो लंबे समय से नगर निगम में तैनात है, काफी लंबे समय एक ही जोन में एक ही पद पर, तो क्या उनपे हम लोगों ने, मैंने निवेदन किया है विपक्ष के नेता जी को, आओ लखन, आओ लखन, आ जाओ जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को कि यहाँ पे चर्चा नहीं करे तो जनता के बीच में जाके चर्चा होना चाहिए जी। हर जोन आइए, हर जोन हेडक्वार्टर पे हमारे कांग्रेस के पार्षद जनता के बीच में जाकर चर्चा कराएंगे। आओ घनघोरिया जी, आओ लखन, एक याचिका भी आपने दायर की है आज हाईकोर्ट में ईवीएम को लेकर जी। ऐसा है, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कि जवाब भाई आईडी छोप रही मेरी, चुनाव आयोग देता नहीं। ऐसे कई हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं सिविल सोसाइटी के और पॉलिटिकल पार्टीज के जिसका जवाब
चुनाव आयोग देता नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और पूरे तरीके से आज देश में अगर आप आम जनता से उनका मत मांगो तो आम जनता ये कहती है, 60-70% जनता ये कहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अब तो एलोन मस्क अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी नेता, धनी व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति और टेक्नोलॉजी का वो ज्ञाता है, वो कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारे चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहे, इसलिए हमने टेक्निकल बातों को लेकर माननीय हाईकोर्ट के सामने मैंने पिटीशन लगाया है और उस पिटीशन में हमने जो बिंदु उठाए हैं उसके लिए हम प्रमाण प्रस्तुत करें। नरसिंह घोटाले और बात ये है, ये लखन गंगोरिया जी विधानसभा में हैं, इन्होंने सबने बड़ी दृढ़ता से और अच्छे तरीके से नरसिंह घोटाले को उठाया था, किस प्रकार एक एक दो दो कमरों के नर्सिंग कॉलेज खुल गए, फर्जी फैकल्टी आ गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये विश्वास सारंग ने किया, उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।